नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि आज थोड़ा ऑडियो को लेकर के आप लोग थोड़ा सा हमें माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे माइक्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। लेकिन आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही नॉलेज, बहुत ही ज्ञान मिलेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं इधर उधर की बातें नहीं बनाता और न ही मैं किसी भी थंबनेल में ऐसा लिखता हूं कि ये होगा और वीडियो में क्या होता है। लेकिन आप लोग का लोन सेटलमेंट अब बंद हो गया है। जी हाँ दोस्तों, अब आप लोग का किसी का भी लोन सेटल नहीं होगा। कुछ लोग हैं जिनकी गलतियों की वजह से उनका लोन सेटल्ड नहीं होगा। बार बार वीडियो मैंने बनाया, बार बार मैंने समझाया है वीडियो में, आपको अपना समझ करके, आपकी बात को, आपकी पीड़ा को देखते हुए, लेकिन फिर भी आप लोग गलतियां कर रहे हैं और फिर आप हमसे कहते हैं कि सर हमारा तो लोन ही नहीं सेटल हो रहा है। आप लोग लोन सेटलमेंट में इतनी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से जो लाभ आपको मिलना चाहिए था वो लाभ नहीं मिल रहा है और भविष्य में भी नहीं मिलेगा। अब मैं आपको बता दूं कि मौसम अभी है, यानी कि ये जो सीजन है, यानी कि आपका नवंबर खत्म होने वाला है, 2-3 दिन और बचे हुए हैं इसमें, और आपका दिसंबर शुरू हो जाएगा। तो दिसंबर के 15 से मिड दिसंबर से, यानी कि 15 दिसंबर से 15 फरवरी के बीच में आपको OTS का लाभ मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सभी का, जिनका जिनका लोन NPA है, सबको OTS मिलेगा। लेकिन OTS उन्हीं लोग का सफल होगा जो लोग बैंक के साथ बातचीत करने में किसी प्रकार की गलती नहीं करेंगे। जैसा कि अभी तक आप लोग, कुछ लोग हैं जो गलतियां करते आए हैं कि बैंक से बातचीत करने में वो गलतियां करते हैं, सेटलमेंट करते समय आप लोग को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। देखिए, आपके पास पैसा नहीं है ये बैंक भी जानता है, इसीलिए आपका अकाउंट NPA हुआ है। लेकिन जब बैंक के लोग आपके घर पे आते हैं, रिकवरी वाले घर पे आते हैं, बैंक का मैनेजर आपको बुलाता है या फिर आप लोग खुद से बैंक को लेटर लिख करके देते हैं और उसमें साफ साफ लिख देते हैं कि सर मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरा जॉब छूट गया है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कोई भी व्यवस्था नहीं है, मुझे समय चाहिए। अब इस प्रकार की जब बातें किसी से आप कहेंगे तो क्या वो व्यक्ति आपका साथ देगा? क्या बैंक रिकवरी प्रोसीजर पे ताला लग सकता है? क्या बैंक रिकवरी प्रोसीजर को टाल सकता है? क्या बैंक का आदमी आपका रिश्तेदार थोड़ी है? देखिए, हमारी बातें थोड़ी सी कड़वी है लेकिन प्रैक्टिकली हम बात कर रहे हैं। इसमें हम आपको बताएंगे आगे कि किस तरीके से आप गलती करते आ रहे थे, किस तरीके से आपका सेटलमेंट होना चाहिए था और किस तरीके से आपका सेटलमेंट होगा। ये वीडियो बहुत ही कारगर है। तो आपको मैं बता रहा हूं यहाँ पे कि लोन सेटलमेंट में आप लोग क्या गड़बड़ियां करते हैं, इस पर भी मैंने बहुत सारे वीडियोज बनाई है, आप हमारे पुराने वीडियोज जाकर के देखेंगे। तो जिन्होंने भी इसको फॉलो किया है उनका सेटलमेंट हुआ है, उन्होंने हमें थैंक्स भी बोला है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं कि आप लोग बैंक के साथ बातचीत करने में किस प्रकार से हड़बड़ी कर रहे हैं, गड़बड़ी कर रहे हैं, और उसमें आपके बहुत सारे लूप एंड होल्स हैं और आपकी बहुत सारी कमियां हैं। देखिए, सेटलमेंट आपको करवाना है, बैंक को सेटलमेंट नहीं करना है। सबसे पहले तो इस बात को समझ लीजिए कि बैंक किसी भी कंडीशन में आपको रियायत देने नहीं जा रहा है। अब पहली दफा मीटिंग में जब आपके पास रिकवरी कलेक्शन या मैनेजर कोई भी आता है तो आप सीधे कहते हैं सर कि मेरे पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है। यही सबसे पहली बड़ी गलती आपकी होती है। 3-4 गलतियां गिनाएंगे और उसके बाद सोल्यूशन भी बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, आपको फायदा जरूर होगा। क्योंकि आप अगर परेशान हैं, लोन लिए हुए हैं और सेटलमेंट नहीं कर पा रहे हैं और बैंक सेटलमेंट करने के लिए मनाही कर दे रहा है, तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र के रूप में साबित होगा। तो जब सबसे पहले ही मीटिंग होती है और सबसे पहले ही आप अपनी कंडीशन बता देते हैं तो कोई भी व्यक्ति आपकी हेल्प नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है कि आप बैंक से कहें कि सर हम आपका पैसा पाई पाई लौटा देंगे, हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम व्यवस्था कर रहे हैं, हम अगले महीने आपका पैसा दे देंगे, हम 15 दिन पे आपका पैसा दे देंगे। आप उनको नजदीक का डेट बताइए, आप उससे कहिए कि हम अगले हफ्ता दे ही देंगे। फिर जब अगले हफ्ते आएंगे तो फिर बोलिए सर थोड़ी सी और प्रॉब्लम हो गई है। तो इस तरीके से आप कहेंगे सर हम पैसा के जुगाड़ में हैं, बंदोबस्त में हैं, हम पैसा आपका देने के लिए तैयार हैं, हम व्यवस्था में हैं।
तो जब आप किसी से ये कहते हैं कि पैसा देने के लिए रेडी हैं और हम व्यवस्था में हैं, अगले हफ्ते ले लीजिए, 15 दिन के बाद ले लीजिए, तो ये जो होता है बात करने का तरीका, ये बहुत ही मजबूत होता है। इसमें विश्वास होता है हर व्यक्ति सब कोई आपको, और व्यक्ति सोचता है कि चलो ठीक है, इसको एक हफ्ते का समय और दे दिया जाए। लेकिन जैसे ही आप बैंक से डायरेक्ट कहते हैं कि मेरा बिजनेस बंद हो गया है, मेरी जॉब चली गई है, हम जॉबलेस हो गए हैं और हमारे पास अभी पैसा नहीं है, तो जब बैंक इस बात को सुनता है तो फिर वो वही करता है जो उसका मन होता है और जो प्रोसीजर में होता है। बैंक को लगता है कि अब इसको किसी भी तरीके से डरा के धमका करके पैसा निकाला जाए, तो यही सबसे बड़ी आपकी गलती होती है। दूसरी सबसे बड़ी गलती है कि इसमें आपके पास थोड़ा तो पैसा है, तो इसमें आप क्या करते हैं कि बैंक को ऑफर देते हैं, रिटर्न में भी कर देते हैं, या आप लेटर लिख करके दे देते हैं, या फिर मेल करके कर देते हैं, या फिर बैंक वाले जब आपसे पूछते हैं तो आप रिटर्न में कमिटमेंट कर देते हैं कि हम इतना पैसा दे देंगे। सेटलमेंट में कभी भी पैसे का जिक्र आप मत करिए। पूछिए क्यों? अब देखिए क्या है कि सेटलमेंट में आप उनको ऑफर देंगे, अब 10 लाख का लोन है, आप कहेंगे सर हमसे आप 4 लाख ले लीजिए, तो बैंक समझेगा कि भाई 4 लाख रुपए तो उनके पास है, अब किस तरीके से इनको और परेशान किया जाए, टॉर्चर किया जाए, अब किसी अन्य तरीके से इनको टॉर्चर किया जाए तो ये और पैसा निकाल करके देंगे। तो इसमें फिर आपकी गलती होती है, फिर वो बैंक आपसे सेटलमेंट नहीं चाहता है, आपको परेशान करता है। तो यहाँ पर दूसरी आपकी गलती यही है कि आप बैंक को ऑफर दे देते हैं। तीसरी सबसे बड़ी गलती ये है कि आप बैंक वालों को सीधे सीधे जा करके सेटलमेंट की बात करने लगते हैं, आप बैंक को एनपीए से पहले ही सेटलमेंट की बात करने लगते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपका अकाउंट एनपीए नहीं है और एक ही ईएमआई बाउंस हुई है, तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम अभी चले जाए बैंक के मैनेजर के पास और अभी से ही हम सेटलमेंट की बात करें, तो जब अभी से सेटलमेंट की बात करेंगे तो वो सेटल नहीं करेगा। अरे भाई, जब तक आपका अकाउंट एनपीए नहीं होगा तब तक वो सेटलमेंट तो कर ही नहीं सकता है और करेगा भी नहीं। अब इसमें क्या है कि वो जान जाए भाई अभी पैसा देना नहीं चाहते हैं, तो फिर वो दुनिया भर की चीज़ें आपके ऊपर लीगल एक्शन रिकवरी वगैरह आपको भेजता रहता है। तो यही 3 सबसे बड़ी गलतियां होती हैं। मैंने इसके पहले भी इस प्रकार की एक वीडियो बनाई थी, लेकिन फिर भी कुछ लोग इस तरीके के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और इस तरीके की प्रॉब्लम उनकी ज़िंदगी में आ रही है, इसीलिए एक बार फिर से इस प्रकार के वीडियो को बनाने की ज़रूरत है। दोस्तों, क्यों आपका सेटलमेंट फेल हो जाता है, कभी सोचा है आपने? बैंक क्यों नहीं आपकी बात मानता है? इस पर ज़रा सोचने की और समझने की ज़रूरत है, थोड़ा होमवर्क करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर प्रदान करें। दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।